डोंगरगढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित लाइची दाना मखाना फैक्ट्री पर छापे और कार्रवाई के बाद कुछ लोगों द्वारा मां बम्बलेश्वरी मंदिर में हो रहे प्रसाद वितरण के विषय में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा किसी भी इलायची दाना फैक्ट्री से खरीदी नहीं की जाती। वर्ष भर दर्शनार्थियों द्वारा चढ़ाए गए नारियल को ही प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और जब नवरात्रि पर्व के दौरान मंदिर परिसर में नारियल फोड़ना प्रतिबंधित होता है तो प्रसाद में मिश्री दाने का वितरण किया जाता है। इसके तहत ही मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने दर्शनार्थियों से अपील करते हुए कहा इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उन पर कार्यवाही करने की मांग शासन प्रशासन से की गई है। बम्बलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा कभी भी किसी भी फैक्ट्री से इलायची दाने की खरीदी नहीं की जाती, ना ही मंदिर परिसर में इलायची दाना का प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। मंदिर में हमेशा की तरह श्रद्धालु द्वारा जो नारियल चढ़ाया जाता है उसी को बधार कर उसका वितरण किया जाता है। इसके साथ ही नवरात्र पर्व पर जब नारियल बधारना प्रतिबंधित होता है उस वक्त पे मंदिर द्वारा मिश्री दाने का प्रसाद के रूप में पैकिंग कराकर उसका वितरण श्रद्धालुओं को किया जाता है। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रामक बातें मंदिर ट्रस्ट के द्वारा के बारे में लिखी जा रही है वो निरर्थक है और इससे किसी को भी इन बातों पे नहीं आना चाहिए। मंदिर अपनी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रूप से संचालित कर रही है।